कि तुम मेरा फोन उठा लो। बताने के लिए आया था आप और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, समझे? वो ना होता तो ये सांसें कब के रुक जाती। आप उल्फत हैं? नहीं उल्फत हूँ। शाहान से कहना कि मुझसे मिल ले, मुझे प्रमोशन की बात करनी है। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे लिफ्ट लेने की और फिर कॉफी पीने चली गई उसके साथ? हाँ तो मैं क्या करूँ, उन्होंने ऑफर किया तो मैं चली गई। तो मतलब कोई भी तुम्हें ऑफर करेगा तुम गाड़ी में बैठ जाओगी? कोई भी थोड़ी है, बॉस है आपकी। बॉस है नहीं, थी। क्या हो गया शाहान, क्यों बवेला मचा रखा है? आप इसी से पूछे क्यों करती है हर वो काम जैसे मुझे गुस्सा आता है? और आपको तो हर उस बात को गुस्सा आता है जिस पर नहीं आना चाहिए। देख रही हैं, एक तो गलती करती फिर मजाल ऊपर से आगे से मान ले। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? बताओ अब, कारनामा करके आई हो। अरे कुछ नहीं होता खाला, इनको तो हर बात का फसाना बनाने की आदत है। अरे कोई बात तो हुई होगी ना। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आप छोड़ें मैं देखती हूँ इन्हें। या अल्लाह कब सुधरोगे तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। पी लो, ये जो तुम्हारे दिमाग इंजन की तरह गर्म हो रहा है ना, ठंडा हो जाएगा। लो अब बताओ इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? मैं सेंटी नहीं हो रहा, तुम ओवर रिएक्ट कर। अच्छा अपना रवैया देखा है, इस रवैये के साथ चलता है घर? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम नवाब नहीं है, आम इंसान है जिन्हें हर छोटी मोटी चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अभी देखा नहीं था, दो दिन पहले शेख साहब कैसे बातें सुना के गए हैं हमें। फिर अम्मा की दवाइयां हैं, उनका ऑपरेशन है, जब भी जाओ डॉक्टर आगे से ऑपरेशन का कह देता है। हादी की पढ़ाई है यार, घर का राशन है, हजार चक्करबाजियां हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर शाहान। कब अपनी जिम्मेदारियों से भागा हूं? हां पूरी करने की कोशिश तो करता हूं। तुम बिलावजह मुझे इल्जाम दे रही हो। इल्जाम थोड़ी दे रही हो, एक बात समझाने की कोशिश कर रही हो। क्या आखिर क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? यही कि जाएं, जाके एक बार शबक से मिल लें, दोबारा नौकरी मिल जाएगी आपको। कभी नहीं। मेरी बात सुन, आपको जाने में मसला है ना, एकदम तो आपको खुद बुला रही है। गलत फहमियां हो जाती हैं, भूल जाएं, मिट्टी डालें। और तो और वो आपकी प्रमोशन का भी सोच रही है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी प्रमोशन जिसके बदले में मुझे अपनी अना और खुदारी को गिरवी रखना पड़े। बाहर में गई तुम्हारी अना, चले जाओ यार, खत्म करो बात को। तो मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। और हाँ तुम भी एक बात सुन लो, जब तक तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तब तक मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। सुन लिया? सीरियस हूं मैं। तुम अब तक जाग रही हो? तो मैं आपसे पूछने वाली थी कि रात के इस वक्त तारे क्यों गिने जा रहे? इस उम्र में तारे नहीं गिने जाते, दिन गिने जाते हैं। न जाने जिंदगी का आखिरी चिराग कब गुल हो जाए। डैड क्या हुआ? डैड वैसी मायूसी की बात है क्यों? मैं डर गया हूँ बेटा, और डरा हुआ इंसान ऐसी बातें करते। मेरे डैड होकर आप डर गए? नहीं, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया, इतनी ताकत दी कि मैं आज भी जिंदगी को आंखों में आंखें डालकर जी रही हूं, उस इंसान को आप डर लग रहा है? नहीं,
ऐसे डैड को ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। इसी डैड ने तुम्हारे लिए एक फैसला किया था जो आज तक तुम्हारे लिए सजा बनकर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ। बेटा आज तक तुमने शिकायत क्यों नहीं की? तुमने क्यों नहीं कहा कि डैड आपका गलत फैसला था और आपके इस गलत फैसले ने मेरे इतने साल बर्बाद कर दिए? तुम्हारा ये जब तुम्हारी ये खामोशी मेरे अंदर सन्नाटा पैदा कर रही है। डैड मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सच्ची। कुछ फैसले ना किस्मत आपसे करवाती है। मेरी शादी भी किस्मत के फैसले का नतीजा था, बस और कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर ये किस्मत का फैसला होता तो मैं मान लेता, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें अपनी सिद्ध की बेल्ट चढ़ा दी। काश काश तुमने इनकार कर दिया होता। बेटा मामा के जाने के बाद आप ही तो मेरे दोस्त हैं, और दोस्तों की बात तो नहीं डाली जाती। डैड प्लीज इसे मत सोचे। ऐसी कड़वी यादों में रहेंगे ना तो सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। हेलो, हाँ अंदर भेज दें। May I come in? Yes, come in. Please. Thank you. चाय या कॉफी? आई थिंक चाय। नो नो थैंक यू मैम। मैम माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरा हमेशा पैसे वाले लोगों से यही प्रॉब्लम रहा है। उनका अकाउंट जितना बढ़ता जाता है उनकी अना भी उतनी ही बढ़ जाती है। आप भी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरा भी बिना पैसे वालों के साथ हमेशा यही प्रॉब्लम रहा है। जितना उनका अकाउंट खाली होता है उतनी उनकी सोच छोटी होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप है ना, मैं भी वैसी हूँ। अच्छी बात है। बहरहाल मैं नहीं जानता कि मैं
किस हैसियत से इस वक्त आपसे मिल रहा हूं। तो आप पे डिपेंड करता है, मैंने तो दोनों चॉइसेस दे दी। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं आपको रोका किसने था? लेकिन मैम प्लीज ये हरगिज मत समझिएगा कि हाँ मैं जानती हूँ आप अपनी वाइफ की वजह से वापस आना चाह रहे हैं। मिली थी मैं उनसे, नाइस पर्सन। हाँ बता रही थी मुझे। लेकिन आप ये कैसे जानती हैं कि मैं उसके कहने पर आया हूँ? आप मोहब्बत करते हैं ना उससे? यस मैम, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकता, उसकी बिला वजह की जिद्दें भी पूरी करता हूं। जिद उसकी पूरी होती है और खुशी मुझे मिलती है। हाँ, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जरूर। राइट मैम, आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई शख्स होगा? मैम आप ठीक हैं? मैम आर यू ऑलराइट? यस यस। आप आपके लिए पानी? आई एम ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ओके मैम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? आई एम फाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो लौट कर बुद्धू घर को आए। हाँ जी जनाब। वैसे आम आदमी भी कितनी अजीब चीज है, उस बेचारे की अना भी महीने के एंड पे उसकी आमदनी की तरह उड़ जाती। पूरा महीना काम करे, घर चलाए, लेकिन अगर अना को लेकर बैठ गया तो फिर उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। ऊपर से वो शेख साहब, वो भी दो दिन पहले आए और मुझे मेरी अच्छी सी औकात याद दिला। अरे तेरी कोई अना मजरूह नहीं हुई, बॉस ने तुझे बहुत रिस्पेक्ट से वापस बुलाया है। लेकिन बॉस ने बुलाया है या उल्फत ने भेजा था, ये कैसे पता चले? अब ऐसी बात भी नहीं है, बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे। हाँ भाई, मैं तो झक मारता हूँ। वैसे तेरी भी क्या लाइफ है यार, एक तरफ इतना प्यार करने वाली बीवी और दूसरी तरफ उतना ही प्यार करने वाली बॉस। तू कभी नहीं सुधरेगा। वैसे मेरी एक बात याद रखना, तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, होने वाला बॉस भी है। आइए आइए। अबे चल बस कर देना, क्या तेरी फजूल बकबक। ला दिखा चाय कैसी बनाई है। नॉट बैड, कितना बकवास इंसान तू है, चाय उतनी अच्छी बनाई। क्या बताऊं, इतनी बड़ी गाड़ी थी और ऐसी ठंडी, यह मानो फ्रिज में बैठे हो। अरे सच बता भाई मानसी, उस दिन अगर मैं तेरे साथ चली जाती तो मुझे भी उस गाड़ी में बैठना नसीब हो जाता। सदा की ना शुक्रिया, कभी शुक्र ना अदा करना, अल्लाह ने इतना कुछ दे रखा। फिर भी मैंने ऐसी कौन सी ना शुक्रिया कर दी, एक बात ही तो की है। सब जानती हूँ तेरी बात, तेरा शौर भी तेरी शिकायत कर रहा था, क्यों ध्यान नहीं देती घर पर? सारा दिन बच्चे मेले को चले गली में घूमते रहते हैं। है खाला, अब ऐसी भी बात नहीं है, मुन्ने के अब्बा को तो बस रोने की आदत है, हर किसी के सामने खड़े होकर दुखड़ा रोने बैठ जाता है। चुप करना। अरे खाला पता है, शाहान भाई की बॉस इतनी गोरी जैसे इंडियन हीरोइनें होती है, अरे हाथ लगाओ तो मैली हो जाए।
सब मेकअप का कमाल होता है नूरी, तू ही मुतासर हो रही है। अरे नहीं ना, मेकअप का कमाल नहीं है, और पता है खाला, वो शाहान भाई का बार बार ऐसे पूछ रही थी जैसे उनको दिल दे बैठी हो, वरना दोबारा नौकरी पे क्यों रखती भला। सच? अरे अल्लाह की कसम, तेरे सर की कसम। इसीलिए मैं तुम तीन औरतों तीन कहानियों के बीच में नहीं बैठती, बकवास शुरू हो जाती है। ना मुराद हो, किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह है, गुनाह। हाय खाला, मुझे लगा तो तुझे लगा और तूने कह दिया। अगर उल्फत के सामने कहा ना तो गला दबा देगी तेरा। तुम्हारी बात को भी टाल सकता नहीं, मुझे पता है उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अपनी अनाओं को भूल कर नौकरी दोबारा कबूल कर। शाहान, अलग ही बात कहां से आ गई भाई? अरे शफक शर्मिंदा थी इसीलिए तो फोर्स किया मैंने आपको, वरना करती बताओ। देखना पहले से भी ज्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ वैसे काफी इज्जत से उसने नौकरी वापस दी। लेकिन तुम ना कसम से यार कभी कभी इतनी जिद्दी हो जाती हो कि हर्ट हो जाता हूं मैं। क्या हुआ, ज्यादा हर्ट हो गया? खुद ही पूछ ले। अच्छा, अल्लाह, ये तो बहुत ही नाराज हो गया। क्या करे? मनाओ ऐसे। मनाओ? सॉरी ना बेबी, देखो ना हो गई गलती, क्या करूं? हाँ कान पकड़ू, लो मुर्गी बन जाओ। चलो मुर्गी बन जाती। मुर्गी, मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। अभी लेकर आती हूँ, पहले बोलना था ना। हाय अल्लाह, पैसे तो रख दूँ। हाँ अभी लाई था। ओह सॉरी। यस, मैं आ कमेंट मैडम। यस शान, प्लीज मुझे मैडम मत कहा करे। तो फिर क्या कहूँ? शफक मैम, आपको इस तरह नाम से बुलाना थोड़ा रूड हो जाएगा ना। प्लीज आई इंसिस्ट, इट्स नॉट रूड। ओके शफक। अच्छा मैम, आपके पास शफक, आपके साथ ये प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी थी मुझे। हाँ, मुझे भी बजट के बारे में पूछना था और देखना था, कोटेशन मालूम करनी थी। हाँ है इसमें, मैं हाँ दिखा दूँ। ओके मैम, बजट थोड़ा सा आउट है, उसकी वजह ये है कि हमने जो परचेस सब क्लियर है। लंच में क्या कर रहे हैं? कोई खास प्लान नहीं मैम। लंच साथ में कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे मजीद। ओके एज यू विश। मैं जाऊं? हाँ चल, थैंक यू।
फटाफट काम निपटाया जा रहा है भाई। हाँ जी, आपको भी इस फॉर्मूले को आजमाना चाहिए। हाँ, हमें भी बॉस लंच के ऑफर दें तो हम भी हजार की स्पीड में काम निपटाएं, पर अफसोस। वैसे जा कहाँ रहे हो? पता नहीं, ये तो शफक को ही पता है। वाह 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 शफक, कुछ अरसे पहले मैम थी, अब शफक, क्या बात है, लगता है दोस्ती बढ़ गई है। तो आप क्यों जेलस हो रहा? मैं जेलस नहीं हो रहा, पर मेरे ख्याल से तुम जा नहीं पाओगे। हैं? वो क्यों? गरज चमक की आवाज नहीं सुन रहा? बाहर बारिश होने वाली है। बारिश? क्या बात कर रहे हो तुम? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पर लंच? अरे यार बाद में कर लूंगा, तुझे पता है मेरा जाना कितना जरूरी है यार। अरे मगर मैं मैम को क्या बोलूंगा? उनको बोली वो चला गया। शान, हेलो मैम, वो तो चले गए। ओके ठीक है, थैंक यू। बारिश ही सीजन मरवाएगी। अबे 5 मिनट और देर से आते, अच्छी नमाज देते। बारिश का मौसम, तुम्हारे ये रोमांस वाले पकौड़े तो बंदा वैसे भी मर ही जाए। तोड़ देता इस वादे को जिसे जिंदगी भर निभाने का वादा किया है। हद होती है। अरे मुझे फोन कर देना था ना, पकौड़े तो फिर खा लेते। अच्छा, और ये बारिश कहाँ से लाता? इसके लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बॉस की लंच क्या चीज है। जब जब बारिश होगी ये बंदा अपनी उल्फत के पास हाजिर हो जाएगा। सोचना ये है कि न जाने कब तक ये वादा निभाना पड़ेगा। क्या कहा? I'm so sorry. मैं जानता हूं कि मुझे हर केस वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम जेन्युइन था। अच्छा, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम था? बारिश जी। आपको सुन के यकीनन थोड़ा अजीब सा लगेगा और हो सकता है थोड़ा फिल्मी भी लगे, लेकिन वो बात यह है कि मेरी जो वाइफ है ना उल्फत, वो मेरी कज़न भी है, और ऐसे ही किसी बारिश के मौसम में मैंने उससे वादा किया था कि जब भी बारिश होगी तो मैं उसके पास पकौड़े खाने के लिए जाऊंगा।
किस्म की रोमांटिक चीजें होती हैं क्या आजकल? हाँ जी, हमारी लव स्टोरी में तो ऐसा ही रोमांस है, बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझसे इतनी बड़ी मिसकमिटमेंट हुई है कि ये नहीं कहना कि इस बात पे भी तुम रिजाइन कर दोगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर तो फिर आप जो कहें। कल शाम कॉफी पीते? कॉफी डन, कॉफी डन। बारिश हो गई तो मैं पकौड़े खाकर आ जाऊंगा ना। रोमांस के पकौड़े। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम। तैयार क्यों कर रही है मुझे? बारात में नहीं जा रहा। बॉस के साथ जा रहे हो, हैंडसम दिखना चाहिए, इंप्रेशन ना अच्छा पड़ता है। हाँ हाँ, मैं कल अगर इंप्रेस हो गई तो समझो मजीद प्रमोशन। और ये बात सुनो कि अगर उसको इंप्रेस करने के चक्रों में मैं तुम्हारे हाथ से निकल गया तो हाथ से तो तुम मेरे कभी नहीं निकल सकते, इस बात का यकीन है मुझे। इतना भरोसा? भरोसा ही नहीं, गुरूर भी है। इतना तो मुझे पता है कि तुम ख्यालों में भी उल्फत के अलावा किसी भी और का कभी भी नहीं सोच सकते। हाँ तो ये तो मेरी शराफत हुई ना। शराफत का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मोहब्बत जरूर। चलो, खुशबू जो है ना अच्छे इंप्रेशन डालती है। प्यारे लग रहे हो। चलो कोट पहन। अच्छा मेरी बात सुनो, टाई तक तो ठीक था लेकिन कोट क्यों पहना रही यार? उसने कॉफी पे बुलाया, वलीमे पे नहीं। चुपचाप पहनो, जल्दी करो जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? सर मैं क्या मैं वो लगा रखी है? तुम ये बताओ कि मेरा मतलब है कि तुम किससे मिलने के लिए आए? सर मैं डैड क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहा था। इससे तो मुझे नई जिंदगी दी है। ये तो फर्ज था मेरा। इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो हम क्या हम चाय या तो सीधा बोलो ना, कॉफी पीने जा रहे हो? हाँ सर कॉफी। डैड घूम जाए। हाँ ओके बाय। चल यस थैंक यू सर। आइए। शाहान, हाँ? आज हम बाइक पे जाएंगे। किस पे जाना? बाइक पे। आज क्यों नहीं, बाइक पे चलते हैं। हाँ
हाँ ये यहाँ पे पांव रखते हैं। ये तू क्या कर रही है उल्फत? सरासर पागलपन है ये। इसमें पागलपन की क्या बात है? पागलपन नहीं तो क्या है? अरे अपने हाथों से अपने शौहर को तैयार करके उस लड़की की झोली में डाल रही है? देखिए क्या बात है इसमें, तू जानती नहीं है ना अमीर लड़कियों को, इस दिन कुछ हो गया ना तो सर पकड़ के रोएगी। कुछ नहीं होता खाला, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है आपको? कितनी गोलियां खिलाएगी मुझे? बेटे पर तो भरोसा है लेकिन इन अमीर लड़कियों पर नहीं है बेटा। सुना भाई रज के हसीन है वो, और इन लड़कियों का अगर किसी पर दिल आ जाए ना तो ये नहीं देखती कि कुआरा है ये शादीशुदा, बस हर कीमत पे उसे हासिल करना चाहती है। मस्ती में कुछ पता नहीं क्या क्या करती रहती है। You look nice. Thank you. उल्फत ने प्यार किया। मुझे अंदाजा था। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बताओ। नहीं कुछ नहीं, वही कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया? कुछ नहीं है कि स्टुपिड सी बात थी ऐसे। As usual. लेकिन तू भी बता दो। कुछ नहीं, बस उल्फत मुझे तैयार कर रही थी और मैं उसे कह रहा था कि तुम मुझे तो इतना तैयार करियो जैसे मैं अपनी शादी पे जा रहा हूँ। क्या देख रहे? आपकी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है जी, आप हंसती रहा करें। भूल रहे हो शायद। क्या? हम कॉफी पीने आए, अगर ऑर्डर नहीं करोगे तो लेकर नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स, सॉरी वेटर, एक्सक्यूज मी। I'd like one americano with 2 spoons of milk and some sugar, please. Cream cheese order kar. मुझे तुझे एक ही कॉफी का नाम आता है, कैपाचिनो। बुला दीजिए एक। Yes. Just 3 minutes. Thank you. No. यही तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगती है शाह। क्या? कुछ बनावट नहीं है तुम। जैसे हो वैसे ही हो। There's a lot of purity in that. दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। आजकल ऐसे लोग नहीं होते। इतनी तारीफें एक साथ। पता नहीं रात को सो पाऊंगा या नहीं। I'm serious though. एक सेकंड। Sorry वो। Hello. कैसी लग रही है वो? हाँ। हाँ उल्फत, मैं एक मीटिंग में हूँ। मीटिंग? बेटा मेरे सामने आप डेट पे गए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं घर आके बात करता हूँ। सच सच बताओ क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है? कहीं दिल विल तो नहीं आ गया उस पर? हाँ ठीक है उल्फत, ओके ओके बाय। नहीं फोन नहीं रखना, मैं बता रही हूँ। जल्दी किस बात की है? फोन पे रहो उल्फत। अच्छा बाबा ठीक है, ओके एंजॉय योर डेट, बाय। हाँ ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। सॉरी वो उल्फत, यू नो आई नो।
आपकी हर बात वैसे उल्फत से शुरू होती है और सीधे खत्म होती है। बात तो क्या जी, मेरी तो जिंदगी उससे शुरू होती है। Tell me something about your wife. उल्फत के बारे में? उल्फत के बारे में क्या कहूँ? उसकी मोहब्बत के सामने तो सारे अल्फाज बेमाने हो जाते, बल्कि मेरे लिए तो मोहब्बत का लफ्ज के मायने ही उल्फत है। पता भी नहीं चला, दोनों छोटे छोटे थे जब बचपन में साथ खेला करते थे, और कब कब दोनों एक दूसरे की मांग बन गए अंदाजा ही नहीं हुआ। और वो गुड़ियों से खेलती हुई उल्फत मेरे दिल में समा गई, मुझे पता भी नहीं लगा। हर आपको पता है, कभी कभी मुझे उसकी कुछ चीजें तंग भी करती, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कभी उसका दिल नहीं दुखा सकता। उसकी हर जिद पूरी कर देता, क्योंकि अगर ना करूं और उसकी आंख में छोटा सा आंसू भी आ जाए तो मैं वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता हूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बस ऐसी है मेरी उल्फत। इसलिए उस दिन लंच होके चले गए थे। हाँ, वो भी एक वादा था, और मैं वादे पूरे करने में बहुत यकीन रखता हूँ। मेरा मानना है कि जो वादे पूरे नहीं करता उस पर मोहब्बत हराम है। अलविदा।